ये देखिए ये जेलीफिश है, ये आपको नजर आ रही है।
अम्ब्रेला लाइक इसका ऊपर का कवर होता है और उसके अंदर जो है टेंटिकल्स पाए जाते हैं, ये लंबी लंबी सी साफ्तें निकल रही होती हैं, स्ट्रक्चर निकल रहा होता है, उसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये जेलीफिश है, नज़र आ रही है। आई होप कि क्लियर होगा, कोशिश तो कर रही हूँ मैं। जेलीफिश हो गई। अब आप ये देखिए, ये टेप फॉर्म है। टेप होता है ना, जैसे जो टेलर जो कपड़े सीने वाले होते हैं वो टेप इस्तेमाल करते हैं, तो वो सेगमेंटेड होता है, यानी थोड़े थोड़े फासले से डिस्टेंस से उस पर निशान लगे हुए होते हैं जो इंच के और सेंटीमीटर के होते हैं। इसी तरह चपटा यानी फ्लैट होता है बिल्कुल। तो ये आपको टैप फॉर्म नज़र आ रहा होगा, ये टैप फॉर्म है, बिल्कुल फ्लैट है। एक सेगमेंटेड बॉडी होती है, जैसे टेप होता है ना उनके पास, टेलर्स के पास, उसी के नाम पर इसको हम टेप फॉर्म कहते हैं। इसको टेप फॉर्म, इसके बाद टेप फॉर्म हो गया, स्पंज हो गया, जेली फिश हो गई। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ये, देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, पाइनस की कोन है। यहाँ से देखिए निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए ये कौन है। ये जो हमारे कश्मीर का इलाका और जो नॉर्थन एरिया है वहाँ पर ये बहुत पाई जाती है। कुछ बच्चों ने मुझे लाकर भी दी थी, बड़ी भी मेरे पास रखी हुई है, होगी ना मैं आपको निकाल कर किसी क्लास में आपको बता दूँगी। ये कौन है, ये मेल और फीमेल कौन दोनों ली हुई है। ये पाइनस की कौन इस तरीके से होती है, ठीक है। एक और कौन दिखाती हूँ, वो मेल कौन है, ये फीमेल कौन है, ये देखिए नज़र आ रही होगी। ये क्या है, ये फीमेल कौन है, ये पाइनस की फीमेल कौन है, ठीक है। ये भी पता चल गई आपको, ये आपने देख लिया, ये भी हो गया, ये आपने अच्छी तरह रिकग्नाइज करने हैं ये सारे एनिमल्स। ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, ये प्रॉन यानी ये झींगा है, ये ठीक है, प्रिजर्व है, ये झींगा है, नज़र आ रहा है ये आपको, ये झींगा है, ये भी हो गया। उसके बाद ये अर्थवॉर्म है, ये नीचे ये नज़र आ रहा है आपको, मैं ये वाला हिस्सा, ये ब्राउन कलर का होता है, ये नीचे गिर गया है, ये नीचे है बोतल में, नज़र आ रहा है, मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि नज़र आए, ये यहाँ पर ये नीचे गिरा हुआ है, ब्राउन रंग का होता है, वॉर्म है ये, ये इसका मुंह है, नज़र आ रहा है, ये अर्थवॉर्म है, ठीक है, ये अर्थवॉर्म है, ये देखिए ये नज़र आ रहा है आपको, ये मैं करीब से दिखा रही हूँ, ये राउंड वॉर्म है, ठीक है। गोल इसकी बॉडी होती है, नॉन सेगमेंटेड होती है, किनारे जो होते हैं वो इसके अपर एंड लोअर जो इसका एंड होता है वो नोकदार होता है, ये राउंड वॉर्म है, नज़र आ रहा है, ठीक है, ये राउंड वॉर्म हो गया। ये देखिए ये नज़र आ रहा होगा, ये अलवा चट्टानों के दरमियान ये रहता है, पत्थरों और चट्टानों में, ठीक है। मशरूम नहीं है मेरे पास, मशरूम जब भी अवेलेबल होगा मैं आपको ज़रूर जो है वो दिखा दूँगी। जब भी अवेलेबल हुआ मशरूम, जैसे ही मुझे मिला वो मैं आपको मशरूम भी दिखा दूँगी। तो ये मैंने आपको सारे एनिमल्स दिखाए। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे कमेंट्स में कहा था कि अमीबा के बारे में भी बताएंगे। अमीबा जो हमारा सिलेबस था पिछला, उसमें प्लांट्स नहीं थे, जैसे एक मेल और फीमेल दोनों माइनस नहीं थी और मशरूम नहीं था, और हमारे पास 8 जो थे वो टोटल एनिमल थे और एक स्लाइड 9 पूरे एनिमल थे मल्टी सेलुलर के, और सिर्फ एक यूनिसेलुलर एनिमल था अमीबा, उसकी एक स्लाइड रखी जा।
बॉडी क्या है, सॉफ्ट और हेड हॉलो। जरूरी नहीं लंबे लंबे सेंटेंस बना के लिखे आप, उतना टाइम नहीं होता। आप ही जस्ट नंबर वन टू थ्री पॉइंट लिखने, बॉडी क्या है, सॉफ्ट है, हॉलो है, नरम होती है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आप दूसरा पॉइंट सबसे आसान इसी से ले लेंगे कि फोर्स आर प्रेजेंट
क्राइटेरियम कहते हैं। एक साफ होती है इसके अगले सिरे पर
ठीक है, इसमें और भी क्लासेस हैं जिनके जो टांगे उनकी होती हैं वो उसमें जो उनकी खासियत ही यही है, ऑक्टोपस मतलब ये कि जोरदार टांगे पाई जाती हैं। जैसे आपने कार्टून को देखा होगा, मक्खी को देखा होगा, जैसे उसके टांग पाई जा रही है जो ऐसे ऐसे टांगे होती हैं, यानी ये जोर पाए जाते हैं, ये जोर है, तो इनको जोरदार टांगों वाले कहा जाता है। तो कुछ ऑक्टोपस हैं जिनकी दो जिनमें दो जोर पाए जाते हैं, जिसके तीन होते हैं, इसमें एक तो ऐसा ऐसे भी कुछ होते हैं जिनकी जो लेग्स होती हैं वो 100 से अबव होती है, यानी 100 से भी ज़्यादा होंगे। सेंटीपीड्स उसकी जो एग्जाम्पल है वो सेंटीपीड्स की है कि सेंटीपीड्स की जो लेग्स पाई जाती है वो 100 से भी ज़्यादा अबव होती है, किसी में दो होती है, किसी में तीन होती है, किसी में 100 से भी ज़्यादा होती है। लेकिन जो क्रस्टेशिया है जो हम पढ़ रहे हैं दो इसके अंदर जो है जोरदार टांगे पाई जाती हैं। बड़ा आसान फाइलम है ये, तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखना बहुत आसान है, आप कुछ भी आपका याद किया हो आप जो है आप लिख देते हैं, लिखते हैं बॉडी बॉडी इज कवर दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।